राज्य के पूर्व पशु संवर्धन दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार की कर्मस्थली सावनेर स्थित पशु चिकित्सालय अपनी बदहाली आंसू बहाकर राज्य सरकार की उपेक्षा तथा विकसित भारत का ढोल पीट रही राज्य व केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली को उजागर करता जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तहसील मुख्यालय में स्थित उक्त पशु चिकित्सालय में पिछले 2 वर्षों से कपास टिंचर बेंजाइन आर्टिन जैसे सामान्य वस्तुओं की पूर्तता नहीं हो रही हो तो बाकी औषधियां तो दूर की बात है। यहां अपने पशुओं के उपचार हेतु पहुंचाने वाले नागरिकों को खुद ही इन चीजों को खरीद कर लाकर अपने पशुधन का इलाज करवाना पड़ रहा है। 22 मई को समाज सेवी श्याम चव्हाण अपनी पालतू बिल्ली का उपचार करने हेतु सावनेर के पशु चिकित्सालय में पहुंचे, तब वहां उपस्थित पशु चिकित्सालय सावनेर के इंचार्ज डॉक्टर हेमंत मालोते ने उन्हें बिल्ली के उपचार हेतु औषधि सहित बाकी चीजें लाने को कहा, जिससे दोनों में उक्त विषय को लेकर कुछ कहासुनी भी हुई। घटना की जानकारी हमारे स्थानीय संवाददाता को प्राप्त होते ही उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसमें उक्त पशु चिकित्सालय में पिछले 2 वर्षों से पशुओं के घाव या मार को पोंछने हेतु साधा कपास तथा आयोडीन उपलब्ध न होने की बात उजागर हुई। अगर तहसील मुख्यालय के पशु चिकित्सालय में कपास और आयोडीन के लाले पड़े हैं तो वहाँ बाकी औषधोपचार की कल्पना की जा सकती है। ऐसे में अपने पालतू पशुओं का इलाज कैसे करें, ऐसे हालात बने हुए हैं। सरकारी पशु चिकित्सालय में सिर्फ गाय बैल भैंस आदि का इलाज किए जाने के बाद उपस्थित पशु चिकित्सक ने हमारे स्थानीय संवाददाता से साझा करते हुए बताया कि कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी आदि के इलाज हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के बगैर इनका इलाज हो पाना संभव नहीं है। उक्त विषय पर हमारे स्थानीय संवाददाता ने नागपुर जिला पशु संवर्धन सह उपायुक्त डॉक्टर मंजुषा पुडलिंग से मोबाइल पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका फोन लगातार स्विच ऑफ मोड पे होने से बात नहीं हो पाई। खुद को ग्रामीण तथा किसानों की हितैषी बताने वाली राज्य सरकार तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए ग्रेड 1 की ख्याति प्राप्त सावनेर पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाली तहसील की ग्रामीण अंचलों के केलवत मालेगांव टाकली वाकुड़ी पिपला दहेगांव कलमेश्वर तहसील के तेल कामटी तिष्टी व पाशुनी ग्राम तिकाड़ी आदि पशु चिकित्सालय 23 दिसंबर 2023 से पूर्णतः बंद पड़े हुए हैं। क्या यही विकास है या बदले का खेल, यह समझ से परे है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार में पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार द्वारा राज्य के ग्रामीण अंचलों में स्थित पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए औषधि तथा अस्थायी कर्मियों की भर्ती कराकर राज्य के ग्रामीण अंचलों में किसानों तथा पशुपालकों के लिए पशु चिकित्सालय सुचारू रूप से शुरू किए गए थे, वे राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ फिर से अपनी बदहाली के हालात में पहुंच गए हैं। गरीब किसानों के हित की बात करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा पशु संवर्धन मंत्री राज्य में बदहाल होते पशु चिकित्सालय को सुचारू रूप से सर्व सुविधा युक्त कराने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। कितने दिन से कॉटन नहीं? कितने दिन से नहीं? 2 साल से कॉटन नहीं है हॉस्पिटल में, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए 100 रुपए फीस है? नहीं नहीं नहीं, हाँ प्रत्येक पैरामीटर सर अलग अलग। बर पैरामीटर सांगा, फी चे पैरामीटर सर। आता इंजेक्शन लावायचं आहे, हो 10 रुपये सर चार्ज। अच्छा, इंजेक्शन 10 रुपये, त्याचा इलाज, त्याला जखम झाली आहे, हां जखम झाली आहे, कुत्रा किंवा मांजर, हो गाय मुळीच नाही, हो कुत्रा किंवा मांजर आहे त्याला 100। अच्छा, जखम हे करायची म्हणजे बँडेज करायची, साफ करायचं, त्याला हे करायचं, 100 रुपये हे गव्हर्नमेंटचे चार्ज आहे। काही लिस्ट वगैरे आहे का? बिलकुल, तिथेही चार्जेस लागतात, गाईला, गाई म्हशीला बैलाला त्यांनाही चार्जेस लागतात। मग सरकार करोडो रुपये खर्च करून राहिली आहे, त्याच्यासाठी स्पेशल व्हॅन बनवली आहे, हे बनवलं आहे, तर त्याचा उपयोग का? एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।